हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की ब्लूप्रिंट आ चुकी है और इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं एमपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स के ब्लूप्रिंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क कंटेन करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 2 मार्क्स करेगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। इसमें भी सेम यही कहानी रहेगी। इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स कंटेन करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपके 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहने वाला है। बात करें हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क का रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर भी लगभग सेम कहानी है, 2 क्वेश्चंस तो यहाँ पे 1 मार्क कंटेन करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 2 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस 1 मार्कर रहेंगे, साथ ही 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसमें भाई साहब काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर पहले 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आया करते। ठीक है, सो भैया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 हमारा कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया है। सो चैप्टर 10 सर्कल में क्या होगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे जो सिर्फ एक एक नंबर के रहेंगे और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर में, अरे देखो ये बहुत इजी चैप्टर होता है ना, यहाँ पे आपको फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, सो एक क्वेश्चन ही रहेगा जो 4 मार्क्स का रहेगा, इजी रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, आराम से तुम कर सकोगे। ठीक है, बात करेंगे अब हम चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। तो भाई इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो 1 मार्कर्स रहेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 2 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, सो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस तो भाई साहब 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सो भाई साहब यहाँ तक आ चुके हैं, तो हमारे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा जो 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सो हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई साहब इसमें ऐसा होगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे और 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सो ये भी 6 नंबर का वेटेज रख लेगा। ओके, सो ये थी हमारी ब्लूप्रिंट दोस्तों। अगर आपने अभी तक एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।